ये आज कच्चे केले की खीर बनाऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, फलाहारी खीर रहती है ये। आराम से व्रत में इसको आप लोग खा सकते हैं। पहले इसको कट कर देना है इस तरह, उसके बाद छीलने की मदद से इसको जो है ये कर देना है, उसके बाद छीलने की मदद से इस तरह इसको छील लीजिए। हाँ रहता है, देखिए एक बार इसको ऐसे कर दीजिए, छीलने लगाने के बाद तुरंत जो है हाथ से इस तरह निकल जाएगा ये, क्योंकि इसको छीलना बहुत ही आसान है। 2 किलो 2 किलो छील के तैयार हो गया है। अब इसको इस तरह घिस दीजिए, इसको घिसना बहुत ही आसान है, देखिए कितनी आसानी से घिसा रहा है। देखिए पूरा हमारा घिसा गया है, इतना हुआ है। हमारी हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम घी डाल दूंगी। बहुत ही कम घी लगता है, ज़्यादा घी नहीं लगता है इसमें। इसमें हम एक इलायची डालेंगे, सिर्फ इलायची, इलायची की खुशबू बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए हम इसमें इलायची लग घिसा है इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको डालने के बाद इस तरह धीरे हाथ से धीमे धीमे इसको चलाते रहूँगी, लगभग 2 मिनट चलाऊँगी। बहुत ही जल्दी तैयार होता है, इसको बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, बड़ों को भी अच्छा लगता है। इसको आप व्रत में खाइए, ऐसे भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। अब देखिए हमारा केला जो है पूरी तरह से हो चुका है, अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। बस अब इसको इस तरह दबा दबा के करना है, जिससे इसमें गुठली न पड़े। अब देखिए अच्छी तरह से भलक रहा है, अब इसमें शक्कर डाल दे, तो शक्कर बहुत कम लगता है इसमें। अब इसमें हमने कट करके मखाना रखा हुआ है, इसको डाल देना है। अब इस तरह इसको चला दीजिए, हमारी खीर हो गई है केले की। अब हम गैस ऑफ करूँगी, देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको जो है हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारी खीर तैयार हो गई है, आप लोग इसको खाइए, बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आता है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू को बढ़ाइए हमारे, धन्यवाद। इसको चाहे आप व्रत में खाइए, चाहे इस तरह खाइए, बहुत ही फायदेमंद और ताकती है ये।